Today we will start with first problem of two column cash book. Two column cash book का first problem. Enter the following transactions in two column cash book for the month of November 2011. Enter the following transactions in two column cash book for the month of November 2011. तो टू कॉलम कैश बुक में आपको दो कॉलम्स करने हैं, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. तो कैश इज वन कॉलम एंड बैंक इज द सेकेंड कॉलम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू कॉलम कैश बुक. तो टू कॉलम कैश बुक की जो कॉलम्स है, डेट, पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के आगे आप ब्रैकेट में रिसीप्ट्स लिख सकते हो. फर्स्ट कॉलम है डेट, सेकेंड कॉलम है पर्टिकुलर्स, दैट इज रिसीप्ट्स. रिसीप्ट नंबर, LF, कैश एंड बैंक, ये आपका कैश बुक का डेबिट साइड है. क्रेडिट साइड पे कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स को आप ब्रैकेट में पेमेंट्स लिख सकते हो. तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक, ये आपका टू कॉलम कैश बुक का क्रेडिट साइड है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट वन, कैश इन हैंड रुपीज 50,000 एंड बैलेंस एट बैंक रुपीज 50,000. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड 50,000, बैलेंस एट बैंक 50,000. तो टू कॉलम कैश बुक में आपको डेबिट साइड लिखना है डेट वन, पर्टिकुलर्स कॉलम में टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 50,000, बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम में सेम फिगर 50,000. तो पहला जो ट्रांजैक्शन है, कैश इन हैंड 50,000, बैलेंस एट बैंक 50,000. तो डेबिट साइड पर क्या है, डेट वन, पर्टिकुलर्स में टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 50,000, बैंक कॉलम में 50,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट फोर, सोल गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000. सोल गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है सोल गुड्स फॉर कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल गुड्स फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट. तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश का लेजर अकाउंट है. दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड. कैश अकाउंट डेबिट साइड, ये जो जर्नल एंट्री है इसका आपको अभी लेजर पोस्टिंग करना है. जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज कैश अकाउंट एंड दिस इज द डेबिट साइड. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आपको लिखना है डेट फोर, टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट जो है, अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है. अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है 5,000. इसका नैरेशन लिखना है, नैरेशन लिखना है बीइंग सोल गुड्स फॉर कैश. नैरेशन इसका बीइंग सोल गुड्स फॉर कैश. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट फाइव, पेड टू मिस्टर राव, पेड टू मिस्टर राव बाय चेक रुपीज 4,500. यहां पे पेड को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है पेड, पेड, पेड इट मींस पेमेंट साइड. पेड जो वर्ड है, पेड इट मींस पेमेंट साइड. तो आपको भी कैश बुक के पेमेंट साइड पे लिखना है. ट्रांजैक्शन है पेड टू मिस्टर राव बाय चेक रुपीज 4,500. तो कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड. डेट फाइव, बाय मिस्टर राव अकाउंट,
मिस्टर राव अकाउंट, अमाउंट जो है हियर द अमाउंट इज पेड बाय चेक, अमाउंट इज पेड बाय चेक। तो आपको टू कॉलम कैश बुक का सेकेंड रूल फॉलो करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकेंड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकेंड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तो ये जो अमाउंट है 4500, इसको आपको बैंक कॉलम में लिखना है, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है, बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय चेक। उसका नरेशन लिखो, ब्रैकेट में नरेशन लिखना है, बीइंग पेड टू मिस्टर राव बाय चेक। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है, बीइंग पेड टू मिस्टर राव बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 8, पेड कमीशन ₹500। अंडरलाइन करना वर्ड पेड, पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड, पेड कमीशन। तो आपको पेमेंट साइड पे लिखना है डेट 8 बाय कमीशन अकाउंट। हाउ द अमाउंट इज पेड, द ट्रांजैक्शन इज नॉट स्पेसिफाइंग हाउ द अमाउंट ऑफ द कमीशन इज पेड। आपने कमीशन का अमाउंट कैसे पे किया है, ट्रांजैक्शन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज नॉट स्पेसिफाइंग हाउ द अमाउंट ऑफ द कमीशन इज पेड, इन दैट केस दिस पेमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, पेड कमीशन ₹500। तो दिस इज द ₹500 यू पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है, अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग कमीशन पेड, नरेशन जो नरेशन है बीइंग कमीशन पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 11, डेट 11, डिपॉजिट इन टू बैंक ₹9000। डेट 11, डिपॉजिट इन टू बैंक ₹9000। तो जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिपॉजिट इन टू बैंक ₹9000, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है, तो दिस इज बैंक अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे आपको डेट लिखना है 11, ये जो जर्नल एंट्री है इसका आपको लेजर पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे आप लिखोगे 2 कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 9000। ये आपका डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे लिखा है 2 कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, दिस इज कैश अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट के आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, डेट है 11 बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है, अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिट इन टू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन आपको दोनों साइड में लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखना है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में।
में लिखना है। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी, सी मींस कॉन्ट्रा एंडिंग। एलएफ कॉलम में, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंडिंग। आपने ट्रांजैक्शन कैशबुक के दोनों साइड पे लिखा है, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैशबुक, तो आपको एलएफ कॉलम में सी का साइन देना है, सी मींस कॉन्ट्रा एंडिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 12, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 9500। यहां पे अंडरलाइन द वर्ड रिसीव्ड, अंडरलाइन करना है रिसीव्ड। रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द रिसीट साइड, रिसीव्ड, रिसीव्ड इट मींस रिसीट साइड। तो ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, तो आपको ये ट्रांजैक्शन कैशबुक के डेबिट साइड लिखना है, डेट 12 टू मनीष अकाउंट, ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। यहां पे आपको कैशबुक का रूल नंबर 1 फॉलो करना है, टू कॉलम कैशबुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इन द कैश कॉलम। टू कॉलम कैशबुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इन द कैश कॉलम। तो ये जो ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 9500, इसको आपको कैश कॉलम में लिखना है, अमाउंट कैश कॉलम में 9500। उसका नैरेशन लिखो, नैरेशन लिखना है बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, नैरेशन जो है बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 16, डेट 16 परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 40,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 40,000 अमाउंट पेड बाय चेक, अंडरलाइन करना है पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, पेड, पेड इट मींस यू टू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड, पेड जो वर्ड है पेड इट मींस यू टू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड। तो कैश बुक के पेमेंट साइड पे लिखना है डेट है 16 बाय मशीनरी अकाउंट, परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 40,000 अमाउंट पेड बाय चेक। आपको टू कॉलम कैशबुक का रूल नंबर 2 फॉलो करना है, टू कॉलम कैशबुक का रूल नंबर 2, चेक पेड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक इन द बैंक कॉलम। टू कॉलम कैशबुक का रूल नंबर 2, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक इन द बैंक कॉलम। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 40,000। उसका नरेशन लिखो, इसका नरेशन बीइंग परचेस मशीनरी बाय चेक, नरेशन जो है नरेशन लिखना है बीइंग परचेस मशीनरी बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 19, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 2,000 पेड बाय चेक, अंडरलाइन करना है पेड बाय चेक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको वर्ड यूज करना है ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस को वर्ड है ड्रॉइंग्स। पेड, पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक आपको कैशबुक में पेमेंट साइड पर लिखना है, डेट 19, लाइफ इंश्योरेंस को वर्ड है ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस को वर्ड आपको लिखना है ड्रॉइंग्स। रूल नंबर 2 फॉलो करना है, रूल नंबर 2, चेक पेड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक इन द बैंक कॉलम। तो 2,000 रुपीज आपको बैंक कॉलम में लिखना है, यहां पे रूल नंबर 2 फॉलो किया है,
रिसीव डिविडेंड रुपीज 700 बाय क्रॉस चेक, अंडरलाइन करना वर्ड क्रॉस चेक, रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द रिसीट साइड, रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द रिसीट साइड। तो कैश बुक में आपको डेबिट साइड पे लिखना है डेट 22 टू डिविडेंड अकाउंट, टू डिविडेंड अकाउंट, इसका नरेशन लिखना है बी डिविडेंड रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक, इसका नरेशन जो है नरेशन है बी डिविडेंड रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के लिए आपको रूल नंबर थर्ड फॉलो करना है, क्रॉस चेक के लिए रूल नंबर थर्ड, क्रॉस चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column. Two column cash book ka rule number third. Cross check received is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column. So cross check ka jo amount hai, ye aapko bank column mein likhna hai. 700. Iska narration likhna hai being dividend received by cross check. Being dividend received by cross check. Next transaction is date 27. Sold goods of rupees 11,000 and amount received by check. Sold goods of rupees 11,000, amount received by check. Underline karna word received by check. Received it means you have to record the receipt side. Sold goods के लिए आपको वर्ड यूज करना है सेल्स, सोल गुड्स के लिए आपको अकाउंट नेम लिखना है सेल्स। तो रिसीट साइड लिखना है डेट 27 टू सेल्स अकाउंट, सोल गुड्स के लिए आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट, इसका नरेशन बीइंग Sold goods by check. इसका narration जो है narration है being sold goods by check. यहां पे आपको rule number one follow करना है. Two column cash book का rule number one. Check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. Rule number one. Check received. is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. तो amount आपको cash column में लिखना है 11,000. Next transaction is date 28. Purchase goods for cash rupees 12,000. Purchase goods for cash rupees 12,000. तो purchase goods for cash इसका journal entry है. Purchases account debit to cash. Purchase goods for cash. इसका journal entry purchases account debit to cash. तो journal entry में cash account को credit. तो आपको cash book के payment side में लिखना है. Purchase goods for cash. इसका journal entry होता है purchases account debit to cash. Journal entry में cash account को credit. तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड पेमेंट साइड डेट 28 बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट कैश कॉलम में 12,000 परचेस गुड्स फॉर कैश। तो कैश बुक के पेमेंट साइड पे लिखा है, तो कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड डेट 28 बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट कैश कॉलम में 12,000, इसका नरेशन लिखना है बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश, नरेशन इसका बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 2,000, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 2,000, यहां पे अंडरलाइन करना है ऑफिस यूज,
ऑफिस यूज, इसको अंडरलाइन करना है। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो कैश अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है डेट 29। ये जो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका आपको लेजर पोस्टिंग करना है, इसका लेजर पोस्टिंग करना है कैश अकाउंट को डेबिट। तो ये कैश अकाउंट है और ये डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड यहां पे आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है। कैश अकाउंट को डेबिट तो अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है 2000। कैश अकाउंट डेबिट तो अमाउंट मैंने कैश कॉलम में लिखा है। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड है। दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड लिखना है डेट 29 बाय कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट तो डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा है। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन करें सी, सी इट मींस कॉन्ट्रा एंट्री। आपने कैशबुक के दोनों साइड पे लिखा है, कैशबुक के दोनों साइड पे लिखा है, तो आपको एलएफ कॉलम में साइन देना है सी फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन जो है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नरेशन जो है नरेशन आपको दोनों साइड पे लिखना है। नरेशन जो है नरेशन है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नरेशन यू ट्राइड ऑन बोथ साइड। नरेशन आपको कैश बुक के दोनों साइड पे लिखना है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 30, डेट 30 ऑफिस सैलरी पेड बाय चेक ₹600। यहां पे अंडरलाइन करना है वर्ड पेड, ऑफिस सैलरी पेड बाय चेक, आपको पेड को अंडरलाइन करना है। पेड, पेड इट मींस यू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड, आपको कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखना है ऑफिस सैलरी पेड बाय चेक। पेड इट मींस यू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। तो डेट कॉलम में डेट है 30 बाय ऑफिस सैलरी अकाउंट। By office salary account, amount जो है amount is paid by check, तो इसको आपको two column cash book का rule number second, two column cash book का rule number second, check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column, check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column, तो amount आपको bank column में लिखना है, यहाँ पे rule number second follow किया है। चेक पेड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड द बैंक कॉलम। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग ऑफिस सैलरी पेड बाय चेक, नरेशन जो है बीइंग ऑफिस सैलरी पेड बाय चेक। अभी आपको बैलेंसिंग करना है, पहले कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल, कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल
कॉलम का क्रेडिट साइड टोटल। तो पहले कैश कॉलम, डेबिट साइड टोटल। तो कैश कॉलम का डेबिट साइड है 77,500, कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड है 77,500। इसको सेम लाइन पे, सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लेना है। से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है। नवंबर जो मंथ है, नवंबर का लास्ट डेट, नवंबर का लास्ट डेट है 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। नवंबर जो है, नवंबर का लास्ट डेट लिखा है 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 77,500 में से ये कैश कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस करना है। तो बैलेंस आपका आता है 56,000। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड है 77,500। ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिखा है। 77,500 में से ये कैश कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस किया है एंड रिमेनिंग अमाउंट लिखा है 56,000। डेट है 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी बैंक कॉलम क्लोज करना है। बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल, बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल 59,700। ये सेम क्रेडिट साइड पे लेना है। क्रेडिट साइड माइनस करना है 59,700 में से। ये बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड पूरा माइनस करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट है यह आपका 10,600। 59,700 यह आपका पहले बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल, ये सेम यहां पे क्रेडिट साइड पे लिया है। 59,700 में से ये बैंक कॉलम का पूरा क्रेडिट साइड माइनस किया तो बैलेंस आपका आता है 10,600। तो बैलेंस कैरी डाउन जो है, कैश कॉलम का रहा है 56,000, बैंक कॉलम का रहा है 10,600। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। दिसंबर 1-2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 56,000, बैंक कॉलम में 10,600। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है 56,000 और 10,600, यही दोनों फिगर्स आपको डेबिट साइड पे लेना है। दिसंबर 1-2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 56,000, बैंक कॉलम में 10,600। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टू कॉलम कैश बुक।